And Abhishek, Ghosalkar, Uddhav Sena leader, has been shot dead in Mumbai in a very shocking incident. Ghosalkar was an ex-corporator who was shot dead by a man named Morris, who later died by suicide. The shooting was caught on camera as both were streaming live on Facebook. The Mumbai police have filed two FIRs in the case, and according to the police, Morris had returned to Mumbai from Los Angeles a few years ago and lived in his house in Borivali. The Uddhav Sena has demanded the resignation of the deputy CM over the issue. Remember, this comes just a week after a BJP MLA was arrested for shooting at a Shinde Sena member inside a police station in Thane next to Mumbai. Morris was preparing to contest the corporator elections, whereas Abhishek Ghosalkar did not want him to contest elections from his ward, and there was a fight between the two. We have my colleague Sunil joining us. Sunil, take us through what was the issue between the two, and how did such an incident take place, something that went live on Facebook? देखिए, अभी तक की जानकारी में यही है कि मॉरिस जो है वो यहाँ से चुनाव लड़ना चाह रहे थे कॉर्पोरेटर का, और इसके लिए वो समाज सेवा का काम करना शुरू कर दिया था और गरीबों को वो साड़ी और भोजन और अन्न वगैरह वितरण किया करते थे। लेकिन जो अभिषेक घोसालकर है वो नहीं चाहते थे कि वो यहाँ से चुनाव लड़े वार्ड नंबर एक से, क्योंकि वो यहाँ के पूर्व नगर सेवक थे और उनकी पत्नी यहाँ से अभी पूर्व नगर सेवक थी, तो वो चाहते थे कि वही यहाँ पर है। अगर मॉरिस सामने चुनाव लड़ते हैं तो स्थिति खराब हो सकती है, इसीलिए वो दोनों में प्रतिद्वंदिता थी ऐसा बता रहे हैं, और इसी को लेकर नाराजगी हुई थी। और बीच में मॉरिस को जेल भी जाना पड़ा था क्योंकि उसको बलात्कार का आरोप लगा था, तो मॉरिस को कहीं ना कहीं लग रहा था कि इसके पीछे अभिषेक घोसालकर है, जिसको लेकर वो नाराज था। जेल से छूटने के बाद जो अभी तक जानकारी मिली कि उसने शायद फिर योजना बनाई, उसने पहले उनसे पैचअप किया, और यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं, ये मॉरिस का दफ्तर है जहाँ पर कि उसने रात में शाम को अभिषेक घोसालकर को बुलाया और फेसबुक लाइव के दौरान गोली मार दी और खुद को भी उसने गोली मार ली। अभी फिलहाल इसे देखिए सील कर दिया गया है, यहाँ पर ताला लगा हुआ है, रात भर कम से कम 5 घंटे पंचनामा यहाँ पर चला है, और जाँच पड़ताल के बाद सब कुछ यहाँ से जो सुराग मिले वो सब ले जाने के बाद यहाँ पर सील कर दिया गया। ये शीशा था, ये भी पूरा टूट गया था, चकनाचूर हो गया था, इसे उठाकर अभी फिलहाल इस बोरी में रख लिया गया है। तो जो अभिषेक घोसालकर है उनका दफ्तर बस यहाँ पास में ही है, लगभग 50 कदम दूर पर, और वहाँ से जो शाम को बताया जा रहा है कि अभिषेक मॉरिस ने उन्हें यहाँ पर बुलाया और ये बताया कि हम एक अच्छी शुरुआत करते हैं, मिलकर काम करते हैं और यहाँ से गरीबों को जो है साड़ी वितरण करेंगे, और इसको ये कहकर यहाँ पर बुला कर लेके आए इस दफ्तर में, और दफ्तर में दोनों फेसबुक लाइव पे बैठे, जिसमें अभिषेक घोसालकर ये बताते भी दिखाई पड़ रहे हैं, सुना जा रहा है उन्हें कि वो बता रहे हैं कि हम लोग मिलकर अच्छी शुरुआत करते हैं। लेकिन इसी दौरान 4 मिनट के बाद अचानक से जो है कि मॉरिस उठा और उसने गोली मार दी अभिषेक घोसालकर को, और बाद में 5 से 7 मिनट बाद खुद को भी उसने गोली मार ली, दोनों की फिलहाल मौत हो गई है। अब इस मामले की जांच जो है कि क्राइम ब्रांच को दे दी गई है, और क्राइम ब्रांच ने इस मामले में 2 लोगों को हिरासत में लिया है, जो बताया जा रहा है कि मॉरिस के शख्स हैं, एक मेहुल पारिक का नाम आ रहा है, जो जिस दौरान फेसबुक लाइव चला था उसी ने वो दरवाजे के पास गया था, जिसके बाद ही मॉरिस उठकर बाहर की तरफ निकला था। तो क्या इन दोनों की भूमिका है, ये क्या उस बारे में जानते हैं, और ये प्लानिंग कब से की जा रही थी, और जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है बंदूक का, वो कहां से लाया था, किसने मदद की थी, इन सब बातों की फिलहाल गहन जांच पड़ताल की जा रही है।